गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। आज जो है एचपी जीके के क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये अभी 21 मार्च को जो पेपर हुआ है जेओए का, सबसे बड़ी एग्जाम था ये, क्योंकि इसमें आई थिंक 2 लाख बच्चों ने जो है ये एग्जाम दिया है। और इसमें जो है जो एचपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज लेके आई हूँ। तो एंड तक वीडियो देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। और साथ में और भी जो दिसंबर में एग्जाम हुआ है एक, उसके क्वेश्चन भी मैंने इसमें मिक्स किए हैं। तो आप वीडियो एंड तक देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। और अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और बेल आइकन पे टिक करें ताकि कोई भी अपडेट हो वो मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन एचपी इज, हिमाचल प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या है, कितने हैं नगर पालिकाएं हिमाचल प्रदेश में? तो ये है 5। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल्स, तो ये है 29। तो आपने देख लेना है, आपने आपसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पूछा है या म्यूनिसिपल काउंसिल पूछा है, तो उस हिसाब से आपने टिक लगाने हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ एचपी इज, हिमाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है। तो इसी में से मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश से इसी जो एक्सटेंट है उसके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पूछा जाता है या लैटिट्यूड पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए, हिंदी में लॉन्गिट्यूडनल को देशांतरीय विस्तार कहते हैं और लैटिट्यूड को अक्षांश कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गिट्यूड, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, तो ये है 75°47′55″ टू 79°04′20″ ईस्ट। ये याद रखना, लॉन्गिट्यूड वाला ईस्ट में है और जो लैटिट्यूड वाला है वो नॉर्थ में है। और ये है 30°22′40″ टू 33°12′40″ नॉर्थ। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूरी भी वैल्यू दे ही होती है या फिर आधी, जैसे कि 75°47′ तक या फिर सेकंड तक भी दे सकते हैं वो। और नॉर्थ और ईस्ट का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियूल इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ एचपी। सियूल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? सियूल, तो ये है रावी नदी की। नेक्स्ट है, फेमस एनवायरमेंटलिस्ट किंकरी देवी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचवी? तो ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। चुहाड़ घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चुहाड़ वैली, चुहाड़ घाटी, तो ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा डोमिनियन वाज फाउंडेड इन विच ईयर? चंबा की जो किसने स्थापित किया था चंबा को, तो ये थे सॉरी कब स्थापित हुआ था ये, 550 ईस्वी में। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना था किसने इसको स्थापित किया था। नेक्स्ट है, द ओल्ड नेम ऑफ जुब्बल वॉज, जुब्बल का ओल्ड नेम क्या है? अभी मैंने आपको करवाए हैं ये सारे, तो ये है देवरा। देवरा अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो देख लें, एच पी जी के टॉपिक वाइज मैंने पूरा पूरा कवर करवाया है। नेक्स्ट है, विच इज़ द एग्जीक्यूटिव एजेंसी ऑफ पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ एचपी? तो ये है बीबीएमबी, फुल फॉर्म है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। पोंग डैम से रिलेटेड हमेशा 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको जो है आप रट लीजिए। अभी जो प्रीवियस में 2-3 वीडियो डाली हैं उनमें भी मैंने डाला है। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कहाँ ये पोंग डैम? सेकेंड पूछा जाता है दूसरा नेम क्या है इसका? तीसरा पूछा जाता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? फोर्थ पूछा जाता है जैसे रामसर वेटलैंड कन्वेंशन जो है कहाँ पे है? तो ये 3-4 क्वेश्चन है जो आते हैं, तो आप उनको जरूर कीजिए क्योंकि पोंग डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटरनल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी? तो ये है बड़ा साहिब में। और ये भी पूछ सकते हैं कि एस्टेब्लिश कब हुई है? 2009 में। अगर आपसे पूछे जाते हैं कि बड़ा साहिब है कहाँ पे, या फिर इटरनल यूनिवर्सिटी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है बड़ा साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एचपी हॉर्स ब्रीडिंग फार्म इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये
जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा शिप ब्रीडिंग का पूछा जाता है, रैबिट ब्रीडिंग का पूछा जाता है, तो फिश का पूछा जाता है, और ये फर्स्ट टाइम जो है हॉर्स ब्रीडिंग फार्म का पूछा है। हॉर्स ब्रीडिंग फार्म जो कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है लाहौल स्पीति में, और लरी इन लाहौल स्पीति में एक प्लेस है, वहाँ पे है हॉर्स एंड याक ब्रीडिंग फॉर्म। ये जो प्रीवियस अभी दिसंबर में पेपर हुए है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। इन 1949 डोडरा क्वार बिकम द पार्ट ऑफ 1949 में डोडरा क्वार किसका भाग बना, तो ये बना था महासू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट टू गेट प्लेस इन यूनियन कैबिनेट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम यूनियन कैबिनेट में स्थान प्राप्त करने वाला था, कौन था, तो ये थे राजकुमार अमृत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कांगड़ा वैली इन द ईयर 1615 एडी। 1615 में पहला यूरोपियन कौन था जिसने कांगड़ा घाटी में जो है विजिट किया था, तो ये थे थॉमस कोरियाट। थॉमस कोरियाट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रायल ऑफ महात्मा गांधी मर्डर केस वॉज कंडक्टेड एट। महात्मा गांधी हत्या का विचारण हुआ था, मैंने लिख दिया, दो बार लिख लिया है, महात्मा गांधी हत्या का विचारण हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो ये है पीटरहॉफ में। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है पीटरहॉफ है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमिनेंट पर्सनैलिटी फ्रॉम धर्मशाला वॉज ए म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो धर्मशाला के कौन से प्रतिष्ठित व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के संगीत निर्देशक थे, तो ये थे कैप्टन राम सिंह। कैप्टन राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेपा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। खेपा त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये है हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, किन्नौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरमौर रियासती प्रजामंडल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो फ्रेंड्स इस पे जो है दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, सिरमौर प्रजामंडल वॉज एस्टेब्लिश्ड। सिरमौर प्रजामंडल और सिरमौर रियासती प्रजामंडल दोनों ही डिफरेंट है, दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, दोनों पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इसमें पूछा गया है सिरमौर रियासती प्रजामंडल जो है ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1944 को, तो उसी तरह सिरमौर प्रजामंडल का आपने मुझे बताना है वो कब एस्टेब्लिश हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिए मुझे। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिरमौर प्रजामंडल जो है उसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, फर्स्ट चेयरमैन, तो ये थे चौधरी शेर जंग जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिरमौर प्रजामंडल और सिरमौर रियासती प्रजामंडल, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ऑप्शन दोनों के सेम दिए होंगे इन्होंने, तो आपने वो देख लेने हैं। तो फ्रेंड्स ये है आज की वीडियो, इसमें हमने दो के क्वेश्चन किए, एक तो जो अभी 21 मार्च को जो पेपर हुआ है और सेकंड जो अब हमारा हुआ है दिसंबर में। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एचपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पटवारी हो, क्लर्क हो, कमीशन हो, कोई भी हो, तो आप जो है इन वीडियो को करें। एचपी जीके के और भी वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको जो है मेरे चैनल पे एचपी जीके, पैडागोजी, प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर, करंट अफेयर, वो सब कुछ मिल जाएगा, तो आप देखें। और अगर आपको लगता है कि वीडियो है मतलब इसमें इससे तो हम तैयारी कर सकते हैं, तो आप उनको शेयर करना भूले नहीं। और अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी, ये भी बन रही है मेरी, ये करंट अफेयर पे बन रही है एचपीजीके की वीडियो, तो कल ये भी मिल जाएगी आपको एचपीजीके की करंट अफेयर की वीडियो। तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला था मैम कि करंट अफेयर की वीडियो डालो, तो वो डाल रही हूँ, बट ये है कि टाइम के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है, इसलिए धीरे धीरे डाल रही हूँ वीडियो। तो फ्रेंड्स अभी जो एचपी टेट आने वाला है
तो उसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो अभी से कर दीजिए। और चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारे बच्चों का टेट क्लियर हुआ है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि मैम आपकी वीडियो देख के हुआ है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट। और फ्रेंड्स अगर आपको आपके किसी और फ्रेंड का भी टेट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप उसके साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी क्लियर कर सके। बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल हैं, बहुत सारा किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है आपको टेट की। अगर आप टेट क्लियर करना चाहते हैं तो अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो सफिशेंट मटेरियल पड़ा है यार, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स तो मिलते हैं कल वीडियो के साथ। गुड नाइट।